हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शेखर, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू इम्प्रूव स्केचिंग, आप अपने स्केचिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसे देखें, ताकि आप भी अपने स्केचिंग को इम्प्रूव कर सकें। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्केचिंग और शेडिंग कैसे करते हैं, हाउ टू स्केच एंड शेड। तो ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे से आने वाले जो भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं हाउ टू स्केच एंड शेड। हाँ, तो गाइस आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं एक आर्टिस्टिक स्केच। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल सा एक स्केच बनाने जा रहा हूँ एप्पल का, और देखिए कि कैसे स्केचिंग किया जाता है। ये नहीं देखिए कि मैं मतलब क्या बना रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि एप्पल से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि बिगिनर्स जो हों उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान रहे समझना इस चीज़ को। और मैं एक सिंपल से पेपर पे, ये आर्ट लाइन के पेंसिल्स अच्छी कंपनी है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है ये, आप इसको यूज कर सकते हैं। और सिंपल है ये, कितने का, 70 रुपीज़ में मार्केट में अवेलेबल है ये सेट। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर आपके पास अच्छी ब्रांड की है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, आप नॉर्मल किसी अप्सरा या नटराज के पेंसिल से भी बना सकते हैं, एटलीस्ट नटराज से ज़्यादा बेटर अप्सरा रहेगा। आप सिंगल पेंसिल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि अलग अलग जो सेट है, जैसे ये 8B है, यहाँ पे 6B है, इसका यूज़ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे डार्कर शेड्स के लिए 10B यूज़ करते हैं, 8B यूज़ कर सकते हैं, फिर उससे अगर कम रहा तो 6B है, फिर 4B है, ठीक है, फिर 2B और फिर HB है। HB और 2B आपको स्केच के लिए यूज़ करना है। आप स्टार्टिंग में स्केच वगैरह के लिए अगर यूज़ करना चाहें तो स्केच ड्रॉ करने के लिए HB और 2B यूज़ करिए। और बाकी शेडिंग वगैरह के लिए एकदम लाइट शेडिंग देना है तो आप इसे भी दे सकते हैं। और ये जो है डार्क, धीरे धीरे जो डार्क टोन अगर आपको देना है, डार्क शेड देना है, तो आप इसे शेड दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्केच ड्रॉ करेंगे एप्पल का। और स्केच ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले आप रफ़ लाइंस खींचे, रफ़ स्ट्रोक्स दें। ये नहीं कि डायरेक्ट आप स्केच बनाना स्टार्ट कर दें, ड्रॉ करना स्टार्ट कर दें एप्पल, नहीं। सबसे पहले आप आराम से ढेर सारे लाइंस खींचे, रफ़ लाइन एप्पल के अकॉर्डिंग। और कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बहुत ज़्यादा लाइन खींच चुके हैं, आप एक्स्ट्रा लाइन जो रहे, जब आपको एक परफेक्ट शेप मिल जाए तो आप जो एक्स्ट्रा लाइन रहे उसको आप रब कर सकते हैं। उसके बाद ही आप उसको फिनिशिंग देने की कोशिश करें। तो जैसे कि मैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं फिनिशिंग मैंने दे दिया जो लाइन जो है उसको ड्रॉ करने के बाद, और एक परफेक्ट एप्पल का शेप जो है वो यहाँ पर आ गया। जब आप ड्रॉइंग कर लें, जब आपको लगे कि हाँ ड्रॉइंग परफेक्ट हो गया है, उसके बाद ही आप शेडिंग की तरफ बढ़ें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग पूरी कंप्लीट नहीं करते हैं, स्केच पूरी कंप्लीट नहीं करते हैं, और फिर कलरिंग के तरफ उनका मन भागने लगता है, तो ऐसा ना करें। उससे क्या होता है कि गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा स्केच पहले ड्रॉ करें, उसके बाद ही कलरिंग या शेडिंग दें। यहाँ पर मैं सबसे पहले शेडिंग, जो लाइट टोन है, सबसे जो लाइट टोन या फर्स्ट टोन आप कह सकते हैं, वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ नॉर्मल HB या 2B पेंसिल से, आप भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो स्केच का जो लाइन है और जो एक लाइट टोन जो आप चाह रहे हैं, जो सबसे पहला टोन जो पड़ना चाहिए शेडिंग में, वो आपको मिल जाएगा, और जो स्केच का जो लाइन है वो मर्ज हो जाएगा पूरी तरह से जो फर्स्ट टोन है उसमें। स्केच का लाइन बहुत ज़्यादा डार्क दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगने लगता है, इसलिए आपको स्केच का लाइन थोड़ा लाइट खींचना होगा और फर्स्ट टोन में वो सबमर्ज हो जाना चाहिए, इस तरह से उसको ड्रॉ करना होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टोन पे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट टोन के लिए मे बी शायद 4B या 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप 4B से स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे आप अलग अलग पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं, धीरे धीरे डार्क लेवल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं जो स्केच बना रहा हूँ वो आर्टिस्टिक स्केच है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। और ये एक स्ट्रोक शेडिंग है, जो शेडिंग टाइप है वो स्ट्रोक शेडिंग है। शेडिंग का और भी टाइप्स होता है,
जैसे स्ट्रोक शेडिंग हो गया, फिर क्रॉस हैचिंग हो गया। स्ट्रोक शेडिंग में मैं यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल स्ट्रोक्स खींच रहा हूँ, यानी कि जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मेरा हाथ, मेरा पेंसिल जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सभी जगह मैं शेडिंग दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि क्रॉस हैचिंग में हम लोग अलग अलग तरह से पेंसिल मूव कर सकते हैं, लेकिन यूनिडायरेक्शनल स्केचिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक्स देना है हम लोग को, और स्ट्रोक्स के सहारे ही हम लोग को स्केच करना है, सॉरी शेडिंग देना है यहाँ पे। बहुत लोग क्या करते हैं कि रियलिस्टिक लुक देने के चक्कर में स्ट्रोक्स को ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इरेजर या और कुछ के सहारे स्ट्रोक्स को ब्लेंड नहीं करना है, बल्कि आपको पेंसिल के थ्रू ही अपने स्ट्रोक्स को ब्लेंड करने की पूरी कोशिश करनी है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं पहले फर्स्ट टोन, फिर सेकंड टोन, फिर थर्ड टोन, या आप इसको तीन टोन में भी बांट सकते हैं, लाइट टोन, मिड टोन एंड डार्क टोन में। तो धीरे धीरे आपको डार्क की तरफ बढ़ना है, और ये भी ध्यान रखना है कि पहले ही आप बहुत ज़्यादा डार्क ना करें, बहुत ज़्यादा लाइट स्केच भी नहीं करना है, इक्वल उसको बैलेंस करके चलें। और सबसे लास्ट में जब उसको आपको पूरी तरह से डार्क करना है, ऑफ कोर्स इसमें आपको लाइट और शेड का बहुत अच्छा वैल्यू पता चलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक शाइन है सेव पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने वाइट स्पेस छोड़ा है, वो ऑफ कोर्स लाइट के कारण है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रहा है उन सभी जगह पे डार्क शेड जाएगा। डार्क शेड में यहाँ पे 8B और 10B का यूज़ करूँगा डार्क शेड देने के लिए। अगर आप केवल सिंगल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, केवल एक पेंसिल से बना रहे हैं, तो आपको अपने हाथों के प्रेशर पे डिपेंड होके स्केच करना होगा, शेडिंग देना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो आपको डार्क टोन मिलेगा उससे, अगर आप लाइट स्केच करेंगे पेपर पे हल्के हल्के तरीके से हाथ चलाएंगे तो आपको एक सिंपल सा लाइट स्केच मिल जाएगा। तो आपके ऊपर भी, आपके चलाने स्केच करने के ऊपर, आपके शेडिंग करने के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह का आप शेडिंग दे पा रहे हैं अपने ड्राइंग में। और इन दोनों ही टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है हम लोग को हमेशा किसी भी तरह का स्केच बनाने के लिए या शेडिंग देने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक आपको इमेज नहीं मिलेगा देखने को, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक स्केच नहीं बनेगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही बोल दिया है आपसे कि ये आर्टिस्टिक शेडिंग है। आर्टिस्टिक शेडिंग आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो खास करके। फिर धीरे धीरे मैं रियलिस्टिक शेडिंग के ऊपर भी आऊँगा, जिसमें मैं डिटेल में आपको उसके टेक्निक्स, ब्लेंडिंग टेक्निक्स वगैरह बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए आप आर्टिस्टिक स्केचिंग ही करें और इजी ड्राइंग्स ही प्रैक्टिस करें, और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप रियलिस्टिक स्केचिंग की ओर भी बढ़ें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि कैसे करते हैं स्केच और कैसे उसको आर्टिस्टिक शेडिंग देते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और स्केच को इम्प्रूव करें अपने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करके अपने ओपिनियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें, और इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जो ऐसे आर्टिस्टिक वीडियोज़ देखना चाहते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।